बालवीर अब क्या होगा? हाँ बालवीर, क्या हमारे बिना कोई गलती के भी रानी परी हमारी सारी शक्तियाँ छीन लेंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसी और को हम पर विश्वास हो या ना, लेकिन हमें तो पता ही है कि इस सब के पीछे किसी बुरी शक्ति की चाल है, और उस बुरी शक्ति के बारे में मैं पता लगा के ही रहूंगा। लेकिन बालवीर, हमें तो ये नहीं पता कि वो बुरी शक्ति है क्या और कहां से आई है। हाँ, और इसीलिए उस बुरी शक्ति को पहचानने के लिए और उसे जानने के लिए हमें उसके छुपने के सारे ठिकानों को ढूंढना होगा। ओ वाओ मनीष, सच्ची में तुम्हारे गैजेट बहुत वाओ है। नहीं 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 मोनिका। अरे मोनिका, मेरे कहने का मतलब था इनके गैजेट्स वाव नहीं है, इनके गैजेट्स तो बेकार है। हाँ, तेरे लिए तो ये फैन बेकार ही तो होगा, क्योंकि तेरे साइज के हिसाब से तुझे हवा देने के लिए तो पूरा वाटर कूलर चाहिए, है ना? क्या बोलिए? हाँ? क्या बोलिए? गलत बोलिए एकदम। मोंटू वाज मोटे तो क्या हो गया? ऐसा कोई बोलता है क्या? ऐसा नहीं बोलते। हाँ। मोनिका, तुम ये फैन यूज मत करो। क्यों? क्योंकि ये फैन इनके ऐसा ही फालतू है। क्यों? क्यों आया तुम यहाँ? मोनिका ये पूछना चाहती है। अरे तुम्हें ये बताने के लिए, इनके गैजेट्स इनके जैसे जीरो है। अरे असली गैजेट्स का दीवाना तो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी है। तुम्हें पता है मेरे घर पे तो सीढ़ियां भी नहीं है। कैसे होगी? मोंटू की वजन से बिचारी टूट गई होंगी। ऐसा नहीं बोल सकते तुम। मोंटू बस बोलते तो क्या हो गया? ऐसा नहीं बोलते। ज्यादा फ्री हो रहा है? नहीं, गलत बोल रहे। मेरे कहने का ये मतलब था कि मेरे घर पे सीढ़ियां नहीं है, मेरे घर पे एस्केलेटर है। और मोनिका, तुम्हें पता है इन टिड्डियों के पास तो खेलने वाली रिमोट कंट्रोल की कार होगी, और मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के पापा के पास असली वाली रिमोट कार है। ये तो कुछ भी नहीं है, मोंटू बस तो नहाते भी नहीं है। मतलब खुद से नहीं नहाते, मोंटू बस को नहलाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन आती है। वाओ, रियली? मोंटू इतने इंटरेस्टिंग गैजेट्स हैं तुम्हारे पास? क्या मोनिका, मोंटू बस ने आज तक किसका सच बोला कि तुम्हें बोलेंगे? मोनिका, मैं तुम्हें क्या बता रहा था, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे घर पे ना खाना बनाने के लिए अलग से मशीन है। अरे खिलाने के लिए भी अलग से रोबोट है, सर्व करने के लिए भी अलग से रोबोट है। मोंटू, तेरा झूठ तुझ पे बहुत भारी पड़ेगा। अब तीनों लोगों पे एक ही बुरी शक्ति का राज होगा, और वो बुरी शक्ति हूँ मैं। बुराई की अब एक ही स्वामिनी होगी, और वो हूँ मैं, जो मेरा गुलाम बनेगा उसकी बचेगी जिंदगी, बाकी सबका होगा विनाश, और उनके लोगों में मचेगी तबाही, सिर्फ तबाही। We'll be right back.
खेलेगी। अगर यहाँ वहाँ गिर गया तो तू क्या करे? मेरे पास इसका इलाज है। हम अपना सामान इसमें रख देते हैं। नो नो नो, मोनिका अपना सामान इसमें नहीं रखेगी। कहीं चोरी हो गया तो? मैं हूँ ना। तुम चोरी करोगे मोनिका का बैग? नहीं नहीं, अगर हमारा सामान चोरी हुआ तो मैं उस चोर को आसानी से ढूंढ के निकालूंगा। अच्छा? हाँ। कैसे? वो मैं वो वॉलेट है ना, मेरे वॉलेट में एक खास जीपीएस है, खास जीपीएस है मेरे वॉलेट में, तो ये वॉलेट में इस बैग के अंदर डाल लूंगा। और अगर ये बैग चोरी हुई तो मेरे मोबाइल के मदद से मैं मेरे वॉलेट को ट्रैक कर सकता हूँ और ऐसे आसानी से चोरी हुआ सामान पकड़ सकता हूँ। वाओ, सुपर गैजेट मोंटू। चल चलो सामान रखो। अब हम इसे यहाँ रख देंगे। चल चलो चलते। वाओ, यू आर सुपर कूल मोंटू। हाई फाइव। हाई फाइव। चल चलो। बॉस, आपको ऐसा नहीं लगता ये ज्यादा फेंकना आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है? आप हमेशा खाने जाते हो अंडे और पड़ जाते हैं आपको डंडे। डंडे, चुप। देख, मैंने झूठ बोला तो मोनिका कैसे इंप्रेस हो गई। और वैसे भी आज तक हमारे स्कूल में चोरी हुई है क्या? नहीं ना, तो इस बार भी नहीं होगी। चल खेलते। रानी परी, अब हमें जल्द से जल्द पता करना होगा कि उस बुरी शक्ति का इरादा क्या है। रानी परी, जिस तरह इस बुरी शक्ति ने बालवीर, बालमित्र और बाल सखी को सबके सामने सबका दुश्मन साबित किया है, उससे तो ये बुरी शक्ति बहुत ही चालाक और खतरनाक लगती है। हाँ, और सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और अगर जान भी जाए तो जिसे हमने देखा ही नहीं है उसे हम रोकेंगे कैसे? लेकिन रानी परी, इससे पहले वो बुरी शक्ति हमारे लिए और कोई परेशानी खड़ी करे, हमें उसे ढूंढना ही होगा। हाँ रानी परी, इस वक्त हमें हमारा नया परिलोक बनाने से भी पहले हमारा पूरा ध्यान इस नई बुरी शक्ति को पकड़ने में लगाना पड़ेगा। हाँ परी, आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी बालवीर, एक अनजान शत्रु बहुत ही खतरनाक होता है। वो पहले ही अपनी छल और चालाकी से सोच में हमसे आगे रहा है, और वो अब भी एक नई चाल चलने की कोशिश अवश्य करेगा। लेकिन उससे पहले हमें हमारी चाल चलनी ही होगी। पिती, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मोंटू तो ग्रेटेस्ट फुटबॉलर से बॉल छीनने की बॉल। ये मोंटू ना, जब तक किक नहीं पड़ती तब तक सीधा नहीं होता। प्रचंड का नाम है मेरा। बेचारा बालवी, अब तक यही सोच रहा होगा कौन है नई बुरी शक्ति
जो अदृश्य है, अनजान है, फिर भी हर पल उसके सामने है। कौन है वो जिसने हर बुरी शक्ति के लोक में अपना परचम लहरा दिया है? अब मैं इस सैटेलाइट में जाऊंगी जो देश भर के कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी को सिग्नल भेजता है और इसके सिग्नल के जरिए मैं देश के सारे विद्युत उपकरणों को अपने नियंत्रण में ले लूंगी और इससे शहर में काम का नहीं विनाश का सिग्नल भेजूंगी। बालवीर, अब शुरू होने जा रही है प्रचंड का की प्रचंड लीला, जिससे तुम पूरी ताकत लगाकर भी रोक नहीं सकोगे। चंडिका का साम्राज्य दिखने में छोटा है पर इतना विशाल है कि धरती लोक पर ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं यहां बैठे बैठे अपने नियंत्रण में नहीं ले सकती। धरती लोक के हर शक्ति को, हर अस्त्र को, शस्त्र को, हर उपकरणों को अपनी मर्जी से चला सकती हूं, रोक सकती, कुछ भी करवा सकती हूं और मैं उनका उपयोग करूंगी बाली के प्यारे धरती लोग को मिटाने के लिए। बालवीर का, उनके साथियों का, सबका सर्वनाश होगा, लेकिन परियां और बालवीर ये कभी नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूं, कहां हूं। मैं उनकी नजरों के सामने धरती लोक को टुकड़े टुकड़े में नष्ट कर दूंगी, क्योंकि प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। बस बस बस, मैं थक गया, चलो घर चलते, चल रोहित, कुछ चल के खाते, चलो चलो। क्या हुआ? चल मनीष, तेरा बैग वहां नहीं है। मेरा बैग नहीं है मतलब तुम लोग का सामान भी नहीं है। कहाँ गया सलोनी, कहाँ गया? अरे मुझे क्या पता,
अगर मुझे पता था तो मैं लेकर नहीं आती। OMG! जिस बात का डर था वही हुआ, मोनिका का बात खो गया। कलोनी बंद करो तुम्हारी कुश्ती और मेरा बैग ढूंढो। अरे यही तो रखा था। वो मोनिका का फेवरेट पर्स था, अब क्या करें, पर्स कैसे मिलेगा? ओह नो! मोनिका मैं हूँ ना। क्या लगा रखा है सुबह से? मैं हूँ ना तुम रखी दोगे मोनिका का पर्स? जाओ लेके आओ। मैं नहीं लाके दूंगा, पर हम लोग बालवीर जी को बुला सकते ना। बालवीर जी आएंगे और उस चोर को यूं पकड़ लेंगे। हाँ, गुड आइडिया। और हमें हमारा सामान भी मिल जाएगा। गुड आइडिया, चलो बालवीर को बुलाते हैं। अरे एक मिनट, गुड आइडिया नहीं बैड आइडिया मोंटू। जब तू ढूंढ सकता है तब हम बालवीर को क्यों परेशान करें? मैं क्या जासूस हूँ? क्यों रोहित, करेक्ट है। ये बेवकूफ हो सकता है, उल्लू हो सकता है, पर जासूस नहीं हो सकता ये मोंटू। मोंटू बॉस। मोंटू तूने कहा था कि तेरे वॉलेट में जीपीएस सिस्टम है, अपने मोबाइल के मदद से अपना वॉलेट भी ढूंढ और हमें अपना सामान भी मिल जाएगा। हाँ, है ना? चलो चलो ढूंढते। मोंटू तुम अपनी फोन की मदद से बैग ढूंढो और हम वहाँ जाके ढूंढ रहे। ओके चलो। मिल गई शांति, पड़ गई गले में ठंडक। बोल रहा था मत फेंको, लेकिन नहीं, आपको तो फेंकना है। अब ढूंढो वरना सब बच्चे उठाकर आपको फेंक देंगे। अरे क्या सांड की तरह खू खू कर रहे हो, कुछ सोचो, हम फंस गए। मुझे अब सबसे पहले मेरा वॉलेट ढूंढना होगा और उनका सामान भी, वरना सारे बच्चे मुझ पर हंसेंगे। मोनिका मुझसे बात ही नहीं करेगी। रोहित उसने मेरे कहने पर उसका वो फेवरेट पर्स उसके अंदर रखा था। क्या करे? अरे क्या करे? व्हाट वाज टीवी अचानक बंद कैसे हो गया? लगता है केबल में फॉल्ट है, मेरा चेक कर। मैं? ये तो क्या मैं? अच्छा। ए भैया गोला लगा। अरे अरे इसको क्या हो गया? अरे आवाज नहीं आ रही है भैया। मैं तुम सबके सामने नहीं हूं, पर तुम सब मेरे सामने हो, क्योंकि तुम्हारे सारे टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप और बाकी सभी उपकरण मेरे नियंत्रण में है। वो मेरे ही सिग्नल पर शुरू होंगे और बंद होंगे। अब तुम सब यही सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, लेकिन वक्त आने पर। ये बुरी शक्ति कौन है और ऐसे उपकरण और यंत्र को अपने वश में करके क्या हासिल करना चाहती है ये? बालवीर शायद इस बुरी शक्ति की मंशा पृथ्वी लोक का विनाश है। बालवीर परियों पृथ्वी लोक की बहुत सारी चीजें यंत्रों पर निर्भर है और बालवीर यही खतरनाक यंत्र अगर किसी बुरी शक्ति के हाथ आ जाए तो बालवीर विनाश तय है। ये कैसी आवाज है? कहीं उस बुरी शक्ति ने अपना खतरनाक
खेल शुरू तो नहीं कर दिया रानी परी? हमारा सामान ना किसी स्कूल के बच्चे ने चुराया नहीं है, ये पक्का किसी बाहर वाले का काम है। इस स्कूल के बच्चे में हिम्मत ही नहीं है कि वो मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखन का सामान चुराए। तो बस हम उस चोर को पकड़ेंगे कैसे? पकड़ेंगे कैसे? हमें ना चोर के जैसे सोचना होगा, बदमाश दिमाग से। तो मॉन्टू बस ये आपके लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैं तो एकदम भोला भाला बच्चा हूँ। मतलब के अब मोंटू बस सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें चोर की तरह काम भी करना पड़ेगा। राइट, हमें चोरी करनी पड़ेगी। चल कहाँ पिज्जा खाना? चोरी करने, और अब चोरी करने के लिए हमें कोई शिकार भी तो ढूंढना पड़ेगा। बेवकूफ कहीं का कुछ अक्कल। रोहित चल जल्दी जल्दी उस आंटी के पीछे भागते और आंटी का पर्स चुरा लेते, और वैसे भी वो अपना पीछा भी नहीं कर पाएगी। हाँ मोंटू बस आप ना अब फुल स्पीड में भागना, क्योंकि जो भी आपके पीछे भागता है ना तो आपको 2 मिनट में पकड़ लेता है। अरे बेवकूफ, पकड़ लेता है तो ठीक है ना, पर ये तो आंटी है, ये हमारी पिटाई भी नहीं करेगी। हाँ मोंटू बस, लेकिन मोंटू बस हमें जैसे ही पता चल जाएगा कि चोरी कैसे करते हैं, हम उनका पर्स उन्हें वापस दे देंगे। हाँ, बच्चों के चोरी कर तो शर्म नहीं आती? रे आदमियों के सर आम औरत बन के घूम रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? अरे मैं तो शूटिंग में जा रहा हूँ, मेरा गेटअप है वैसा। अरे ये पहले छोड़ मोंटू बॉस को, चल। अरे अब कुछ और सोचना होगा। सब मुझे ही क्यों मारते? पृथ्वी वासी सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द मैं पृथ्वी पर वार करने जा रही हूं, जिसके बाद मैं पृथ्वी के एक एक टुकड़े का विनाश करना शुरू कर दूंगी, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। नो टाइप कर रहा है, पता नहीं अचानक सिस्टम को क्या हो गया। मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर ऐसा ही रहा तो थोड़ी देर में प्लेन क्रैश हो जाएगा। तूने ये वॉलेट बैग में क्यों नहीं डाला था? वो क्या है ना मोंटू बस, देखो ना वॉलेट में कितने पैसे, अगर वॉलेट भी चोरी हो जाता तो मुझे रिस्क नहीं लेना था बॉस। पर मोंटू बॉस आप एक चीज लिखना भूल गए इस बोर्ड पे। क्या? यही कि आप बेवकूफ हो। मतलब मोंटू बॉस ये ऐसे बेवकूफ भरे आइडिया आपके दिमाग में आते कैसे? देखो
अब पहले से मेरी घड़ी तो चली गई आपके चक्कर में, अब ये वॉलेट भी चला जाएगा। डोंट वरी, मैंने मेरे सोने की चेन भी डाली। जैसे खाना डाल के चूहे को पकड़ने के लिए हम जाल बिछाते हैं, वैसे ही चोर को पकड़ने के लिए हमने सोने की चेन डाल के और तेरा वॉलेट डाल के जाल बिछाया। और अब वो लालची चोर आएगा और यहाँ चोरी करेगा और फिर हमें यू उसे पकड़ लेंगे। अब चल चल के कहीं छुपते। हाँ चलो चलो। मोंटू बॉस, मैं तो आपके पीछे भी छुप सकता हूँ, लेकिन दुनिया में आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी जिसके पीछे आप छुप सको। चल वहां छुपते। चल चल बस। तो बस वैसे शक्ल से तो आप ही चोर लगते हैं। अरे वो आज तो बोला तू दिन है लता लोदली लद्दई मेली। अबे तेरी तो कौन है तू? अरे मैं रोहित हूँ और ये हाथी मेरा साथी है, मतलब मोंटू मेरे बॉस है। शाबाश रोहित, इसको ऐसे पकड़ कर रख, अभी मुझे मेरा वॉलेट और बाकी का सामान भी मिल जाएगा। इस विमान को रोकने के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। बाल मित्र, अपनी शक्तियों की मदद से इस विमान को एक ही जगह पे रोको। ठीक है बालवीर। विमान के इंजन पर नियंत्रण करना होगा। बाल मित्र, तुम बाएं इंजन की तरफ जाओ। बाल सखी, तुम दाएं इंजन की तरफ जाओ और मैं आगे जाता हूं। बंद है लेकिन फिर भी प्लेन ऊपर कैसे जा रहा है? लगता है बालवीर आ गया अपने दोस्तों के साथ हमें बचाने के लिए। इसकी बोलती बंद हो गई। ए गूंगा हो गया क्या? बोलना है ए गूंगे। अरे बोले के वो गू, तूने उसका मुंह पकड़ के रखा है, हाथ निकाल तब तो बोलेगा ना। हाँ चले। मैंने तमाम गोली नहीं दिया। तमाम तो नहीं किया। अबे बेवकूफ, क्या किया तूने इसके साथ? अब ये ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। मोंटू बॉस, मैंने कुछ नहीं किया, लगता है ये कोई और देश है। अरे भाई, तू कौन से देश का है? तेरी भाषा क्या है? हाँ, फ्रांस, यूरोप, जापान, चाइना। अरे चुप कर, तू क्या करना है इसका देश जान के? इसकी भाषा सीखने वाला है क्या? देख
तो जो भी देश से आया होगा ना उस देश की भाषा में बता हमारा सामान कहाँ है। बता अरे बता बता बता, बता। मेरे पास इतना तो सामान नहीं है। श्विंगम बार फेंक के बोल। मैंने तीन दम नहीं चाया, पहले मैं बचपन से तोतला हूँ। अरे तू क्या बोला, वो बात मुझे तमद नहीं आई। अरे वाह बॉस वाह, क्या तितला कर बोले आप। चल जल्दी बता हमारा सामान का है। बता सामान चाहिए। वन मिनट। चल जल्दी सामान दे। अरे चलती भी है, चला कर दिखाऊं। ओ, चलती है? फिर तो ये इम्पोर्टेड होगी। चलती है तो, पर इसके पैर कहाँ है? मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। मंटू बॉस, आपको दिमाग नहीं है क्या? अरे बॉस, ये चला कर दिखाऊं मतलब फायर करके दिखाऊं। फायर? नहीं नहीं, आपके पास ही लगी है। देती है, चलती नहीं, धमाका करती है। कल के दिखाओ। नहीं 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 नहीं, और लोगे मुझसे पंगा। बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र, हमें आप तीनों पर गर्व है। आपने खुद चोट को सहकर सच्चाई और अच्छाई की रक्षा की है। आज आप तीनों ने यह साबित कर दिया कि आप तीनों सच्चाई और अच्छाई के रक्षक हैं, उसके शत्रु नहीं। बालमित्र, आपकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। बालमित्र, आप चिंता मत कीजिए, हम जानते हैं कि आपको गहरी चोट लगी है, लेकिन कुछ दिन आराम करने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नटखट परी, आप? रानी परी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा यंत्र बना तो लिया है, लेकिन हमारे चारों ओर खतरा होने के बाद भी ये यंत्र हमें किसी भी खतरे के बारे में कोई भी संकेत नहीं दे रहा है। क्या? नटखट परी, आप चिंता मत कीजिए, हम इसका अभी निरीक्षण करते हैं। यंत्र कार्य कर रहा है और खतरे की दिशा भी बता रहा है। बालवीर, इसका मतलब खतरा कहीं बाहर नहीं है, बल्कि इस यंत्र और इस जैसे सभी यंत्रों के अंदर है। और बुरी शक्ति ऐसे ही यंत्रों के साथ जुड़ी हुई है, और इन यंत्रों की मदद से वो हमें किसी बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। मैं तिलाते था थप्पे बला तोल डबल तोलू। अरे तो 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 क्या हुआ, मोंटू बॉस भी इस एरिया के सबसे बड़े बेवकूफ है। इदाला मल्ले ते पुलिस मेले पीते लदी है। अबे तो क्या हुआ, अबे 11 स्कूल के टीचर्स भी मोंटू बॉस के पीछे लगी पड़ी है। मैं तो दही तला दूंगा। तला मत। देखिए अंकल, हम भोले भोले छोटे बच्चे, प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। दाने दुंदा पलित की थदा मिले दी, बालो बाल मिले दी, तलो तलू पकोड़े। नहीं बस समोसे। अरे तलो नहीं, तलो दातल दंदे उठा तल लाओ, दल्ली दाओ। अरे दल्ली तलो दल्ली। अब मंटवास तला दूंगा।
सॉरी रोहित सॉरी आजा अरे ये तो दिवाली में पटाखा फोड़ने वाली पिस्टल है तो मैंने क्या बोला था ये तलती नहीं धमाता भी तलती है दाए दाए अरे बहुत ये नकली बंदूक के तक्कल ये नकली बंदूक ले बल अरे बॉस ये नकली बंदूक के चक्कर में हम दोनों ने एक दूसरे की धुलाई कर दी धुलाई की वो तो ठीक है पर वो तो हमारा सामान भी लेकर गया मम्मी मेरा पर्स नीचे नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए सर मैं आ जाऊंगा मैं इतवार के दिन आऊंगा और पूरा काम खत्म कर दूंगा नहीं नहीं सर आप फिकर मुझे पता है छुट्टी का दिन है लेकिन मेरे लिए काम पहले वर्क फॉर हाँ सर नहीं 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 ओवर टाइम नहीं मांगूंगा सर मैं नहीं 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 रानी परी आपने बिल्कुल सही कहा इस बुरी शक्ति ने सारे आधुनिक यंत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया है बालवीर परियों अब हम इन आधुनिक यंत्रों की सहायता से उस शक्ति को खोजेंगे और उस तक पहुंच कर रहेंगे आर पार परी भटकाती परी अटकाती परी और वृषधार परी आप चारों परियां नटखट परी के बनाए इस यंत्र को लेकर उस अदृश्य बुरी शक्ति को खोजने का प्रयास करेंगे जी रानी परी। आप सबको इस यंत्र से निकलने वाली रोशनी की दिशा की तरफ जाना होगा ये रोशनी आपको अलग अलग आधुनिक उपकरणों में से निकलकर सीधा उस बुरी शक्ति की तरफ लेकर जाएगी और जैसे जैसे आप इन खतरनाक यंत्रों को नियंत्रण करने वाली जगह के पास पहुंचेंगे इसका चेतावनी स्वर उतनी ही तेजी से बजने लगेगा रानी परी इससे पहले कि वो बुरी शक्ति अपनी अगली चाल चले हम उसे रोक पाएंगे हाँ और हम उसे उसकी गलती की सजा भी देंगे तो परियों बुरी शक्ति को खोजने की प्रक्रिया आरंभ की जाए जी जी रानी परी बस एक बार उस बुरी शक्ति के बारे में हमें पता चल जाए जो हमारे पृथ्वी लोक के विनाश का सपना देख रही है फिर मैं अपने हाथों से खुद उस बुरी शक्ति का विनाश करूंगा इस यंत्र की ध्वनि तो और तेज होती जा रही है इसका अर्थ यह कि हम खतरे के बहुत नजदीक पहुंच गए परियों हमें बिना समय खोए इस बुरी शक्ति पर वार करना पड़ेगा कि उस बुरी शक्ति को हम पर वार करने का अवसर भी ना मिले परियों वो बुरी शक्ति हमसे एक कदम आगे बढ़कर हमसे बचकर यहाँ से निकल गई है लेकिन ये बात समझ नहीं कि जब कोई बुरी शक्ति यहाँ है ही नहीं तो वो हमारा अंत कैसे करेगी
ये बक्सा तो बुरी शक्ति द्वारा रखा गया एक विस्फोटक है। रोहित, अब कुछ ही देर में हमारा स्कूल छूट जाएगा और तब तक अगर मैंने मोनिका को उसकी पर्स वापस नहीं की तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। जाने दो ना बॉस, वैसे भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में। मतलब क्या करे अब क्या करे क्या करे बॉस? आइडिया रोहित, हम ना किसी चोर के पास जाते और उनके सामने रोक के पैर पकड़ के गिड़गिड़ा के उनको कहेंगे कि प्लीज हमें हमारा सामान वापस कर दो और फिर वो चोर ना हमें असली चोर का पता बता देगा और फिर हम असली चोर के पास जाएंगे और हमारा सामान ले लेंगे, है ना? वाह, क्या बेकार आइडिया है। कमाल आइडिया है, बेकार सुना है, गलत सुना है। चोर है। उन्हें मुझे चोर बोला? अरे नहीं बॉस, वो देखो चोर चोर वो रात। अंकल 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 मोनिका की पर्स वापस दे दो ना अंकल, प्लीज प्लीज। मेरे पास किसी का पर्स या कोई सामान वामान नहीं है। अरे नहीं, आप भी के पास अंकल दे दो, मोनिका मुझसे बात नहीं करेगी। अंकल प्लीज अंकल अंकल। ए, ये तो मेरा पर्स है। तू मेरा पर्स चुरा रहा था? अच्छा हो बच्चों ने पकड़ लिया। बच्चों शाबाश, इसे छोड़ना नहीं। अरे अंकल चोर, अरे चोर। अंकल प्लीज मत मारो, पहले इनको हमारा सामान वापस करने दो, बाद में आपको जो करना करो। मोंटू बॉस, फिर चोर हमारे हाथों से चला गया। बेवकूफ परियां, उन्हें लगा वो प्रचंडिका को ढूंढकर उसे समाप्त कर देंगी, बल्कि वो मेरे ही बनाए हुए बम से तिनकों में बिखर गई होगी और जो मेरे बाकी बचे दुश्मन हैं, वो मेरे अकले वार से नहीं बचेंगे। हाँ परियों, मेरा अगला वार होगा क्योंकि मैंने तो बस अपना स्थान बदला है। देश के अब भी विद्युत उपकरणों का नियंत्रण मेरे ही हाथ में, और मैंने कहा था हर एक घंटे में पृथ्वी पर मेरा वार होगा, तो बस समय आ गया है कि मैं तुम्हें तबाही और विनाश का वो दृश्य दिखाऊं जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। हिस्ट्री होमवर्क किया? हाँ। हे, ए, ए, बच्चे को क्या हो गया? सीसीटीवी कैमरे में कैसे चले गए? ये लगता है यार।
अरे रुक दो मिनट, मैं खेल रहा हूँ। देखा गाना चलो बच्चों को खाना खाना है। चलो बच्चों। अरे अरे अचानक से बच्चे कहाँ चले गए? यही तो टीवी देख रहे थे, वो कहाँ चले गए अचानक, घर से बाहर भी नहीं निकले वो लोग, कहाँ गायब हो गए। रानी परी, विस्फोट इतना तेज था कि उसकी ध्वनि अब तक हमारे कानों में गूंज रही है। परियो, आप सब चिंता मत कीजिए, जितना उस बुरी शक्ति ने आप सबको तड़पाया है, मैं उससे 100 गुना ज्यादा उस बुरी शक्ति को इस गलती के लिए कड़ी सजा दूंगा, और ये मेरा वादा है आप सबसे। हमें जल्द से जल्द उस बुरी शक्ति को ढूंढना होगा रानी परी। लेकिन बालवीर, हम उस बुरी शक्ति को ढूंढेंगे कैसे? वो बहुत ही तेज और चालाक है, हमें लगता है कि हम उसके पास जा रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद हमें उसके पास लेकर जाती है ताकि वो हमें चोट पहुंचा सके। बालवीर, बाल सखी बिल्कुल ठीक कह रही है, इस बुरी शक्ति का सामना करना इतना आसान नहीं होगा। बालवीर, हम पहली बार एक ऐसी बुरी शक्ति का सामना करने जा रहे हैं जो हमसे एक कदम आगे है, और वो हमेशा हमेशा हमसे जीतती रही है। बालवीर, पहले उसने बालमित्र को घायल किया, और अब उसने इन परियों को भी हानि पहुंचाने की कोशिश की है। आप सही कह रही है रानी परी, लेकिन वो बुरी शक्ति जानती है कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं, और इसीलिए वो हमसे उसका असली चेहरा छुपा रही है, और साथ ही साथ उसकी असली आवाज भी, ताकि हम उसकी कमजोरी का पता ना लगा सके। बालवीर, वो बुरी शक्ति चाहे कोई भी हो, लेकिन इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हम ऐसी योजना बनाएंगे कि बालवीर, हमारी सोचने से पहले ही उस बुरी शक्ति ने अपना पहला कदम उठा लिया है। ना जाने अब वो हमें किस बड़े खतरे की ओर लेकर जाने वाली है। बालवीर और परियो, सुनो, ध्यान से सुनो, सुनो कैसे मेरी बुराई पृथ्वी के प्यारे प्यारे बच्चों को एक खतरनाक तोहफा देने वाली है। ऐसा खतरनाक तोहफा जिससे बच्चों के ही नहीं बल्कि तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। बस कुछ ही पल में एक रॉकेट ब्रह्मांड में पहुंचने के लिए धरती से निकलेगा, और उस रॉकेट में तुम्हारे और उनके माँ बाप के लाडले प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिन्हें मैंने वहां कैद किया हुआ है। बस कुछ ही देर बाद वो रॉकेट धरती की सीमा से बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही वो धरती की सीमा से निकलकर अंतरिक्ष को छुएगा, उस रॉकेट में एक बड़ा सा विस्फोट होगा, और रॉकेट और बच्चे उस विस्फोट से बालवीर, बहुत प्यार है ना तुम्हें उन बच्चों से, तो जाओ, देर मत करो, बचा सकते हो तो बचा लो उन बच्चों को, लेकिन ध्यान रहे देर ना हो पाए। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि बच्चों के साथ भी कोई ऐसा कर सकता है। मानव, मेहर और सलोन, ये भी घर पर नहीं है, कहीं ये लोग तो नहीं फंसे होंगे ना इसमें? नहीं बापूजी, आप चिंता मत कीजिए, मेरा दिल कहता है कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बालवीर के होते हुए किसी बच्चों को कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ।
रानी परी, ना जाने उस अग्नि विमान में कितने बच्चों को कैद किया होगा। उसकी हर पिछली चाल से ज्यादा उसकी अगली चाल और खतरनाक होती जा रही है रानी परी। बालवीर, हम आपकी चिंता को समझते हैं और इसीलिए बालवीर, इससे पहले कि वो बुरी शक्ति बच्चों को नुकसान पहुंचाए, हमें उस विमान को अंतरिक्ष तक पहुंचने से रोकना होगा और बच्चों को बचाना होगा। बालवीर, जरूरी सूचना बालवीर, परियों तुम्हें ये बताना तो रह ही गया कि इस बार मैंने ऐसा जादू किया है उस रॉकेट पर कि तुम्हें बच्चों की मदद की पुकार सुनाई नहीं देगी। तो बालवीर, रॉकेट को ढूंढकर बच्चों तक कैसे पहुंचोगे? क्या हुआ, सोच में पड़ गए? मगर बालवीर, ज्यादा मत सोचो क्योंकि तुम्हारे पास बस 5 मिनट है ये पता लगाने के लिए कि वो रॉकेट कौन सा है जिसमें बच्चे कैद हैं और धरती के किस कोने से वो रॉकेट अंतरिक्ष की ओर बढ़ेगा। अगर उन 5 मिनटों में तुमने उस रॉकेट को पृथ्वी की रेखा के अंदर रोक दिया तो बच्चे बच जाएंगे, लेकिन अगर वो रॉकेट धरती की सीमा से निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच गया तो 5 मिनट पूरे होते ही उस रॉकेट में होगा एक धमाका। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? बचाओ कोई! बचाओ, बचाओ, बचाओ! चिल्लाओ और चिल्लाओ बच्चों। रब, अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो मैं, और मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी और ना ही किसी को बचाने दूंगी, क्योंकि प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड काम नाम है मेरा। यहां से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। हम बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर, हमें बचाओ! बालवीर, हमें बचाओ! नहीं बच्चों, नहीं, तुम्हारा बालवीर तुम्हें नहीं बचा पाएगा। हमें यहां से निकालो, क्योंकि इस बार प्रचंड का के प्रचंड वार की आंखें बालवीर भी सर झुकाएगा। तो बच्चों, तैयार हो जाओ अपनी आखिरी उड़ान भरने के लिए। अलविदा प्यारे बच्चों, अलविदा। रोहित, मैं उस चोर को कैसे पकड़ू? मोनिका का डिजाइनर पर्स वापस कैसे लाऊ? बॉस, मुझे तो ये नहीं समझ रहा है कि आप इतनी टेंशन ले क्यों रहे हो। अरे टेंशन नहीं लू तो और क्या लू? अरे बर्गर लो, पिज्जा लो, कोल्ड ड्रिंक लो और फिर डकार लो। ची, मतलब बॉस, सीधे सीधे चोर बाजार से सेम टू सेम डिजाइनर पर्स लाकर मोनिका को दे दो और कहो कि आपने अपनी जान पर खेल कर मोनिका का पर्स बचा लिया। और फिर क्या, बाकी सारे बच्चे आपको झूठा, बेवकूफ, गधा यही कहेंगे ना। क्या मतलब, उससे हमें क्या लेना देना? मोनिका का पर्स मिलना इम्पोर्टेंट है बॉस, वो तो आपकी तारीफ करेगी ना। वाह रोहित वाह, क्या आइडिया है। अरे बॉस, तो मारा क्यों? इसीलिए क्योंकि हमेशा बैंड बजने के बाद ऐसे आइडियाज देता है बॉस। अब ढोल चीज ही है बजने की। हाँ? मतलब मोंटू बॉस,
आप मेरी बात सुनते गाओ। उस दिन भी आपको कहा था कि ग्रे शर्ट और पैंट मत पहनो, फिर भी आप पहने। आप हाथी लग रहे थे, ये भी कहा था ना, आपको कहा था चेंज कर लो, नहीं किया आप चेंज। और जब मेरे कहने पर सारे बच्चों ने आपको हाथी हाथी चिढ़ाया, तब जाके आप मेरी बात माने। हाँ। तेरे कहने पर। चलो चलो चलो, वो मोनिका का पर्स ढूंढना, चलो 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 चलो। बहुत अच्छी बात सखी, तुम्हारी चुंबक की तीर वाली युक्ति की वजह से हमने सही समय पर अग्नि विमान को ढूंढ लिया, बहुत अच्छे। लेकिन बालवीर, हमारा कार्य यहीं समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अग्नि विमान बहुत ही भारी और तेज है और कुछ ही पलों में पृथ्वी लोक को पार कर अंतरिक्ष पहुंच जाएगा। मैं समझता हूँ बाल सखी, लेकिन ये अग्नि विमान इतना भारी है कि हम दोनों मिलकर भी इसे नहीं रोक सकते। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा, हमें किसी भी तरह इस अग्नि विमान को पृथ्वी की रेखा के अंदर ही रोकना होगा। बालवीर, क्यों ना तुम इसकी गति को धीमा कर दो, फिर हम इसे दूसरी दिशा में मोड़ भी पाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। अब तुम अपनी शक्ति की मदद से इसकी दिशा को मोड़ दो। ठीक है बालवीर। इस अग्नि विमान को धरती की सीमा के अंदर बस कुछ और पलों के लिए हमें रोककर रखना है बाल सखी। इसके अंदर के विस्फोट को हम रोकने में कामयाब हो जाएंगे। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा, नहीं बालवीर, इस बार तो जीत प्रचंड का की ही होगी। तुमने रॉकेट की गति को धीमा करने की कोशिश की है ना, अब तुम देखना मैं इस रॉकेट की गति को कैसे दुगना करती हूं। करूं मैं, एक तरफ अग्नि विमान अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है जिससे बच्चों की जान खतरे में है, और दूसरी तरफ बाल सखी नीचे गिरती ही जा रही है। बहुत कम समय बचा है मेरे पास, मैं सिर्फ किसी एक को ही बचा सकता हूं। किसे बचाऊं मैं, किसे? बुला बुला, जल्दी बुला। ओके दोस्तों, मनीष, मोनिका। मोनिका जी, प्यार से। ओके। दोस्तों, मेरे दोस्तों, मनीष, मोनिका जी, यहाँ ये, यहाँ ये, जल्दी आइए, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, वाह वाह वाह। क्या हुआ रोहित, क्यों बुलाया हमें? अरे ये बताने के लिए कि मॉन्टू बॉस ने मोनिका का पर्स ढूंढ लिया है। पूरी बात बता, वो फाइट वाली। हाँ हाँ, और पता है मोनिका, मॉन्टू बॉस में अपने पर्स में लगे जीपीएस से उस चोर का लोकेशन पता किया, और फिर क्या, फिर हमेशा की तरह मॉन्टू बॉस पिट गए। मतलब
वो चोर और मोंटू बॉस की एकदम जबरदस्त फाइट हुई। वो चोर चालाकी से वो बैग लेकर भाग गया, पर फिर भी मोंटू बॉस ने हार नहीं मानी और अपनी जान पर खेलकर मोनिका का पर्स छीन लिया और इस तरह तुम्हारा पर्स मोंटू बॉस को मिल गया। ये रहा तुम्हारा पर्स। वाओ मोंटू, यू आर सो कूल, यू आर ग्रेट, मोनिका की तुम सुपर हीरो। तुम्हें लगा था मोनिका ये सब बोलेगी? बिल्कुल नहीं, ये मोनिका का पर्स हो ही नहीं सकता क्योंकि मोनिका का पर्स मोनिका के पास है। ये देखो मोनिका, कीप फिंगर ऑन योर लिप्स मोंटू, तुम बहुत झूठे हो और मोनिका को ऐसे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ में आया? और यस, मोंटू द ग्रेटेस्ट झूठे लखानी, अगर बैग चोरी नहीं हुआ था तो तूने उसे ट्रैक कैसे कर लिया? तेरी बड़ी बड़ी फेंकने वाली आदत को सबके सामने लाने के लिए हमने बैग को ही छुपा दिया था और ऐसे एक्टिंग की कि बैग ही खो गई। चल मनीष, मोनिका को ऐसे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और मोनिका ऐसे झूठे लोगों से बात तक नहीं करती। मोनिका, कहा था बॉस मत करो, जूते पड़ेंगे। आइडिया था विद्यो, ये तुमने मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के साथ अच्छा नहीं किया, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मेरा दोस्त है और बालवीर अपने दोस्तों को कभी भी कुछ नहीं होने देगा, कुछ भी नहीं। नहीं बालवीर, नहीं, आज तुम ना बच्चों को बचा पाओगे और ना ही बाल सखी को। इस तरह मैंने अपनी बहन वायरस को खोया है, आज तुम अपने सारे दोस्तों को खो बैठोगे। नहीं बालवीर, नहीं, आज तुम्हें मैं जीतने नहीं दूंगी। बालवीर, बालवीर, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रचंडिका हार नहीं सकती, प्रचंडिका कभी नहीं हार सकती। मिंटो, तुमने उस रॉकेट को पृथ्वी की रेखा के अंदर रोक दिया तो बच्चे बच जाएंगे, लेकिन अगर वो रॉकेट धरती की सीमा से निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच गया तो 5 मिनट पूरे होते ही उस रॉकेट में होगा एक धमाका। बस और 30 सेकंड के लिए मुझे इस विमान को पृथ्वी की सीमा रेखा में रोककर रखना होगा। सबका दोस्त अनोखा है।
और सखी, हम अग्नि विमान को पूरे 5 मिनट के लिए धरती की सीमा रेखा में रोकने में कामयाब हो गए। हम सारे बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे। हम जीत गए बाल सखी, अच्छाई बुराई से जीत गए। बालवीर बाल मित्र और बाल सखी के होते हुए किसी बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। विश्वास तो मुझे भी था बालवीर पे, लेकिन क्या करूं, बच्चों का दादा हूं ना, चिंता तो होगी। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। थैंक यू सुपर हीरोज, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सुपर हीरोज, शुक्रिया। मेरे इतने बड़े बाल को तुमने बेकार कर दिया। बहुत हो गया तुम्हारे और मेरे बीच ये आंख मिचौली का खेल। अब मैं तुम्हारे सामने आऊंगी और तुम पर वार करूंगी। बाल सखी, होश में आओ बाल सखी, आंखें खोलो। शुक्र है तुम्हें होश आ गया बाल सखी। अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ बाली, मैं अब ठीक हूँ। लेकिन उस अग्नि विमान का क्या हुआ? वो पृथ्वी के बाहर तो नहीं गया ना? बाल सखी तुम चिंता मत करो, अग्नि विमान पृथ्वी के बाहर तो नहीं गया ना, और साथ ही साथ सारे बच्चे भी सुरक्षित है। अब तक तो वो अपने घर भी पहुंच गए होंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बालवीर, आखिरकार हमने उस बुरी शक्ति को हरा दिया। नहीं बाल सखी, अभी भी वो बुरी शक्ति हमारी पहुंच से बहुत दूर है। पता नहीं अब वो बुरी शक्ति कौन सा नया वार करने के बारे में सोच रही होगी। बालवीर, मुझे जल्द से जल्द रानी परी को ये बताना होगा। सारे बच्चे आ गए हैं, अब तक तो बालवीर और बाल सखी को भी आ जाना चाहिए था। हाँ बाल परी, हम भी यही सोच रहे हैं कि बाल सखी और बालवीर अभी तक आए क्यों नहीं। बाल सखी आप अकेले क्यों आए हैं? बालवीर कहाँ है, वो ठीक तो है ना? नहीं रानी परी, परियों, बालवीर खतरे में है। हाँ, उस बुरी शक्ति ने अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बालवीर को अपनी ओर खींच लिया है। क्या? तो तुम ही हो वो बुरी शक्ति जो मुझे और बच्चों को परेशान कर रही है। बिल्कुल सही पहचाना बालवीर। कौन हो तुम? प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा, ये है मेरा डिजिटल लोक, जहां तुम्हारी कोई शक्ति नहीं चलेगी, चलेगा तो सिर्फ मेरा आदर्श जो मेरे
एक ही इशारे में पूरा हो जाता है। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? ये देखो, देखो इस तस्वीर को बालवीर, पहचाना? हाँ, ये मेरे ग्रह की स्पेसशिप है जिसे तुमने नष्ट कर दिया, और साथ ही अंत कर दिया मेरी बहन वायरस का, जो उस वक्त इस स्पेसशिप के अंदर थी। इस स्पेसशिप ने हम पर पहले हमला किया था, और इसलिए हमने जो भी किया खुद के बचाव के लिए किया। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बड़े दुख की बात है, तब तो तुम बच गए बालवीर, लेकिन अब कैसे बचोगे? लेकिन तुम्हारा अंत करने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारे पृथ्वी लोक पर मैं कैसी तबाही और कैसा विनाश मचाने वाली हूं। मोनिका की बात सुन के तो दिल पे चोट लग गई। चलो डॉक्टर के पास पट्टी करवा देता हूँ। मतलब मोंटू बस अभी तो हम सस्ते में निपट गए, वरना सोचो कहाँ कहाँ चोट लगती अगर उस चोर को पकड़ के लाए होते तो। सही कहा, चल। डर क्यों रहे? अभी तो खाली डर रहा हूँ मोंटू बॉस, आगे तो रोऊंगा भी। वो देखो चोर। वो दोनों मोटे इसी स्कूल का नाम ले रहे थे। पब्लिक ने मेरी बहुत धुलाई की उन दोनों के वजह से। उन दोनों को तो मैं इतना मारूंगा। ढूंढो ढूंढो उनको। रोहित अब क्या करें? अब तो हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। करना क्या है? अब पीटो पीटो। नहीं नहीं, एक काम कर, कॉपी कर मुझे। लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। हेलो, क्या हम लोग पहले कहीं मिले? नहीं नहीं। हाय मोनिका। अरे ये तो वही लड़का है, पकड़ो मारो इसे। फसा दिया ना बॉस आपने। पकड़ो। अच्छा तुम सब लोग इस मोटे के साथ मिले हुए हो। तुम सब पिटोगे। हेलो, हम लोग नहीं तुम पिटोगे, समझे? जबान लड़ा रही मुझसे। बहुत हाथ चला रहा है तूने। मोनिका को हाथ कैसे दिखाया? हाँ, मोनिका पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तूने? हाँ, उठाना ही था तो मोंटू बॉस पे हाथ उठाता। हाँ। लेकिन मोनिका की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो ये आंखें नीचे कर दूंगा।
खींच लूंगा तेरी आंखें। अरे देख क्या रहे हो, मारो इसे। अरे तुम लोग भी मारो, मारो। मोनिका, तो भी प्लीज मुझे माफ कर दो ना। सॉरी। इट्स ओके। देखो बालवीर, तुम्हारे पूरे पृथ्वी लोक को एक साथ तबाह करने के लिए मैंने दुनिया भर के परमाणु बम को जागृत कर दिया है। बस मेरे ये बटन दबाते ही ये सारे परमाणु बम विस्फोट के लिए तैयार हो जाएंगे और उसी के साथ पूरा पृथ्वी लोक, परिया, बाल मित्र, बाल सखी, सबके सब समाप्त हो जाएंगे। तुम सबके विनाश के साथ पूरा होगा मेरा बदला। प्रचंडिका, सिर्फ तुम्हारे कहने से पृथ्वी काम नहीं होगा, लेकिन हाँ, तुम्हारी बहन की तरह आज तुम्हारा और तुम्हारी बुराई का अंत जरूर होगा। देखा बालवीर, वाह, जो गए ना मेरे सामने, अगली बार उसपर वार करने से पहले याद रखना, मैं कोई साधारण बुरी शक्ति नहीं हूं, प्रचंड विराश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। अब शुरू हो जाओ अपने आखिरी पल गिनने के लिए।